दोस्तों, दिव्या भारती ने अपनी खूबसूरती और मासूमियत से हर शख्स को अपना दीवाना बनाया। लेकिन 5 अप्रैल 1993 को हुई दिव्या भारती की अचानक मौत ने बॉलीवुड उनके चाहने वाले को सदमा दे दिया था। ये एक आत्महत्या थी या मर्डर, ये गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। उनकी मौत के बाद भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसने लोगों के होश उड़ा दिए थे। ऐसी ही घटना फिल्म लाडला के सेट पर हुई थी, जिसमें दिव्या भारती ने कुछ समय के लिए काम किया था। फिल्म लाडला में श्रीदेवी ने दिव्या भारती की जगह ली थी। फिल्म के कई सीन दिव्या भारती ने शूट कर लिए थे, लेकिन उनके जाने के बाद श्रीदेवी ने इस फिल्म में काम किया। सबसे खास बात ये थी कि श्रीदेवी और दिव्या भारती का चेहरा मोहरा काफी मेल खाता था। ऐसे में मेकर्स के लिए श्रीदेवी को साइन करना बहुत आसान हो गया था। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना हुई थी जिससे सेट पर मौजूद लोग डर गए थे। दरअसल श्रीदेवी उसी जगह शूटिंग कर रही थी जहां दिव्या भारती शूटिंग किया करती थी। बताते हैं कि एक सीन के दौरान श्रीदेवी उसी लाइन पर बार बार अटक जाती थी जिस पर दिव्या भारती अटक जाया करती थी। इस सीन में शक्ति कपूर, रवीना टंडन भी थे। श्रीदेवी को लाइन भूलता देख उस समय सभी घबरा गए थे। इसके बाद वहां गायत्री मंत्र पढ़ा गया और पूजा के बाद नारियल फोड़ा गया था, फिर जाकर फिल्म की शूटिंग पूरी हुई थी। ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी और अगर दिव्या भारती जिंदा होती तो ये उनके करियर की एक और बड़ी हिट फिल्म होती। इस फिल्म के साथ ही अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी भी इंडस्ट्री में काफी मशहूर हो गई थी। दोनों ने साथ मिलकर मिस्टर इंडिया, जुदाई, लम्हे जैसी कई फिल्मों में काम किया था और इसी फिल्म ने श्रीदेवी के स्टारडम को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था। वैसे आप दिव्या भारती और श्रीदेवी में से किसके फैन हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।